इस तरीके से ये हमारी कोस्टल लाइन है राइट ये हमारी क्या है, मैम कोस्टल लाइन है अगर हम लोग देखें ये जो हमारी कोस्ट लाइन है इस साइड क्या है हमारा इस साइड है मैम अरेबियन सी ठीक है नीचे क्या है मैम हमारा नीचे है मैम हमारा इंडियन ओशियन इधर क्या है मैम बे ऑफ बेंगाल बे ऑफ बेंगाल चलो मैम इतना तो हमें पता है अब क्या जब कोई लैंडमार्स साइडेड से देखो जब चारों साइड से होता है तो हो गया। जब तीन से अरेबियन सी हो गया इधर अगर साउथ में देखेंगे इंडियन ओशन हो गया इधर देखेंगे बे ऑफ बंगाल तो कोई पोर्सन लैंडमार्क जो थ्री साइड से वॉटर से कवर हो मैम वो क्या होता है पेनेसुला तो ये तो समझ आ रहा है इंडियन पेनसुला आप बात कर रहे हो प्लाटू की ठीक है तो उसको देखते हैं सबसे पहले पेनसुला क्या है राइट अ लैंड मास एक लैंड मास बाउंडेड बाय वाटर क्या है वहां पे वाटर बॉडीज है ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड पेनसुला तो मैम देखिए ये जो लाइन है अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या है पेनसुला क्योंकि ये थ्री साइड कवर है मैम किस से वॉटर से किससे वाटर बॉडी से एंड फॉर एग्जाम्पल दक्कन प्लाटू ऑफ इंडिया इज अ पेनंसुलर हमारा जो दक्कन प्लाटू है ये देखिए ये पेनन्सुलर प्लेटू है इंडिया का हमारा जो प्लाटू एरिया है साउथ का वो मैम है क्योंकि वो वाटर में है कहाँ पर है वाटर थ्री साइड से कवर है मैम किससे वाटर से तो ये है इंडिया का पेनेंसुलर प्लेटू अगर आप देख पाएंगे तो ये है मैम हमारा पेनन्सुलर प्लेटू अब ये क्या है उसको देखते हैं देखिए प्लाटू एरिया जो होते हैं ना वो रिच होते हैं मिनरल्स में अभी देखेंगे हम लोग राइट तो अगर हम लोग बात करें अब प्लाटू को देखें अब प्लाटू इज अलिवेटेड फ्लैट लैंड देखिए एलिवेटेड तो मैम हमारे माउंटेन्स भी होते हैं हम बात करें एलिवेटेड लैंड है ऊपर है लेकिन फ्लैट है पीक नहीं है उसमें राइट जैसे ये, ये है ये एक एलिवेटेड लैंड है लेकिन ये ऐसे नहीं है ऐसे नहीं है ये कैसे है ऐसे एलिवेटेड है ऊंचाई पर है ठीक है लेकिन फ्लाट है, फ्लाट टेबल टेबल तो क्या है मैम वो प्लेटू है अब प्लेटू इज ए एलिवेटेड फ्लैट लैंड एंड इट इज फ्लैट टॉप ये देख रहे हैं आप ये कैसा है एलिवेटेड है उठा हुआ है लेकिन कैसा है फ्लैट है मैम फ्लैट टॉप है उसका फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अब सराउंडिंग एरिया जो आसपास का एरिया है उससे तो अब ही होगा उससे तो क्या होगा अब ही होगा तो वो होता है आपका क्या मैम प्लाटू राइट तो ये एरिया है हमारा क्या प्लाटू अब बात करें द पेनिनसुलर प्लाटू के बारे में अब ये पेनसुलर प्लाटू जो है हमारा द पेनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड ये तो हमें समझ आया मैम टेबल लैंड है ये देखिए यहाँ पे ये चीजें कैसी है मैम टेबल लैंड है लेकिन एलिवेटेड है आस पास के एरिया से एलिवेटेड है ऊंचाई पर है राइट कम्पोज ऑफ किस किस के बने होते हैं मैम क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बने होते हैं राइट इट वॉज हमारा जो गोडवाना लैंड है वो ब्रेक हुआ था ड्रिफ्ट हुआ था ठीक है उससे ये फॉर्मेशन हुई थी तो देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी हमारा जो यंगेस्ट लैंडमार्क था वो कौन सा है मैम माउंटेन्स है लेकिन अगर हम ओल्डेस्ट लैंड मार्क्स आपसे पूछा जाए सबसे पुराना उससे भी पहले जिसकी फॉर्मेशन हुई थी तो मैम वो हमारे पेनसुलर प्लेट्यूज है इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ब्रेक हुआ अब ब्रेक हुआ तो क्या होगा ड्रिफ्ट भी होगा एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड जब गोंडवाना लैंड यूरेशिया की प्लेट से टकराया था तो टूटा था और उसके बाद जब टकराया था उससे जो है एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ठीक है ये इंडिया का क्या है मैम ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है तो हम बात कर रहे हैं पेनसुलर प्लेटू की अगर हम बात करें ये एक टेबल लैंड है जो बना होता है मैम क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का इट वाज फॉर्म जब हमारा ब्रेक हुआ था क्या मैम गोंडवाना लैंड तो वो ड्रिफ्ट होते होते है, जो है उससे ही और जब वो टकराया था और उससे क्या फॉर्म हुआ था दज्मे का पार्ट ऑफ द तो इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड और यंग की बात करें तो क्या है माउंटेन है क्या है मैम माउंटेन उसके बाद द प्लैटू कंसिस्ट ऑफ देखिए हमारे यहाँ प्लेटूज जो है वो दो तरीके से है एक तो सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डक्कन प्लेटू दो तरीके के प्लेटूज है कौन कौन से मैम द सेंट्रल हाईलैंड एंड डन प्लैटू ठीक है तो सेंट्रल हाईलैंड एंड द डन प्लेटू जो है वो है हमारी दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डन प्लेटू द पार्ट ऑफ द दे पेनिनसुलर देखिए ये जो हमारे पार्ट है किसका पेनिनसुलर प्लेटू का लाइंग टू तो द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा नर्मदा से नॉर्थ में राइट कवरिंग मेजर एरिया ऑफ़ द मालवा प्लेटो इज नोन एज देंट्राइलैंड हम उसको बोलते हैं राइट right? अगर हम लोग देखें राइट right? इस तरीके से ये पार्ट है मैम हमारा किसका सेंट्रल हाईलैंड का किसका नर्मदा के नॉर्थ में जो मैक्सिमम पार्ट यहाँ से हमारी नर्मदा है नर्मदा के नॉर्थ में जो मैक्सिमम पार्ट है हमारा जो वो है जो मालवा का प्लेटू भी जिसका पार्ट है वो है हमारा सेंट्रल हाइलैंड। हमें इतना समझ आया कि मैम हमारे दो टाइप के प्लेटूज होते हैं एक सेंट्रल हाईलैंड है और जो है हमारा दक्कन का प्लेटू अब सेंट्रल हाईलैंड की बात करें नॉर्थ ऑफ द नर्मदा से मैम और जितना भी हमारा कितना मालवा का जो प्लेटू वाला पार्ट है वो आता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड में राइट right? कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू नोन एज सेंट्रल हाईलैंड द विंध्यान रेंज जो हमारी विंध्या रेंज है इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट अगर हम बात करें हमारी जो विंध्यान रेंज है वो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में उसमें क्या है मैम अरावली की पहाड़ियां इस तरीके से ठीक है तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है मैम अरावली हिल्स अरावली हिल्स हमारी कौन कौन सी स्टेट्स में से पास होती हैं? मैम आपको पता है अरावली हिल्स ना हमारी फोर प्लेसेस से पास होती हैं कौन कौन से फोर प्लेसेस हैं? मैम एक तो हमारा हरियाणा से शुरू है दिल्ली, राजस्थान एंड गुजरात राइट right? और गुजरात जो विध्यान रेंज है इस बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज कहां पे ऑन द साउथ सतपुरा रेंज कहाँ पर है विंध्यान रेंज के मान लीजिए ये विंध्यान रेंज है इसके साउथ में कौन सी रेंज है मैम सतपुरा और इसके नॉर्थ वेस्ट मीन्स इस साइड को नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है मैम अरावली हिल्स है उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर फर्दर अगर हम वेस्टवर्ड एक्सटेंशन देखें ग्रेजुअली मर्स विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान और ये किसमें जो सेंट्रल हाईलैंड है वो उसका कुछ पार्ट जो है हमारे जो रॉकी डेजर्ट हमारा जो है उसमें भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पर मैम राजस्थान वाले हिस्से में द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग द रीजन कौन कौन सी रिवर है जो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है मैम द चंबल द सिंध द बेतवा एंड द केन ये मेजर रिवर है किसकी मैम सेंट्रल हाईलैंड तो कौन कौन सी रिवर मेन है चंबल सिंध बेतवा और केन जो है ठीक है वो हमारी मेन रिवर है जो ड्रेन करती है मतलब इस पार्ट में बहती है किस में मैम सेंट्रल हाईलैंड में द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट वेस्ट में ज्यादा वाइडर है और ईस्ट में थोड़े से हैं मतलब थोड़ा सा पोर्शन कवर करते हैं नैरोवर है द ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू जो ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेटू का उसे हम लोग क्या बोलते हैं बुंदेलखंड और बागेलखंड बोलते हैं इस प्लेटू का जो ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है उसे क्या क्या बोला जाता है मैम बुंदेलखंड तो इससे क्या पता चलता है बुंदेलखंड क्या है हमारा एक प्लाटू एरिया है मैम और मैम हमारा बागेलखंड ईस्ट तो वर्ड एक्सटेंशन जो है इसका ईस्ट की साइड जो एक्सटेंशन है माम, उसे बुंदेलखंड और बागेलखंड के नाम से जाना जाता है अगर हम लोग बात करें छोटा नागपुर प्लेटू द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेंड बाय द दा दामोदर रिवर अभी हमने क्या कहा था पहले एक ईस्टवर्ड एक्सटेंशन आया जिसमें कौन सा बात है वो आया मैम आपका बुंदेलखंड और बागेलखंड आया उससे भी आगे थोड़ा सा जाएंगे तो आएगा छोटा नागपुर प्लेटू क्या आएगा मैम छोटा नागपुर प्लेटू छोटा नागपुर प्लेटू जो है उससे भी आगे आएगा और ये जो छोटा नागपुर प्लेटू है इसमें मेन रिवर कौन सी है मेन कौन सी इसको जो है फ्लो कर रही है मैम दामोदर रिवर कौन सी रिवर दामोदर कौन सी रिवर ड्रेन कर रही है छोटा नागपुर प्लेटू को मैम दामोदर रिवर तो द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेनड बाय दामोदर रिवर द डक्कन प्लेटू अब आते हैं किस पे डक्कन प्लेटू पे ये कैसा है देखने में ट्रायंगुलर लैंड मास है कैसा है देखने में अब आते हैं डक्कन प्लेटो पे देखिए ये डक्कन प्लेटो जो है ये कैसा है मैम हमारा ये ट्रैंगुलर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है कैसा है ट्रैंगुलर लैंड मास है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा तो हमें पता है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है और नर्मदा रिवर के साउथ में है क्या मैम हमारा डक्कन का प्लेटू जो कि मैम ट्रायंगुलर फॉर्म में है राइट द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स द इट्स बॉर्डर बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव द कैमूर हिल्स एंड द माइकाल रेंज फ्राम इट ईस्ट वर्ड एक्सपें एक्सटेंशन तो मेन रेंजेस कौन सी है यहाँ पर ये आपको याद रखना है मैम सतपुरा रेंज ठीक है सतपुरा रेंज यहाँ पर है फिर महादेव है कैमूर हिल्स हैं और उसके बाद माइकाल रेंज जो है वो इसका ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है उसके बाद अगर हम लोग बात करें द डकन प्ले प्लेटू इज़ हायर इन द वेस्ट वेस्ट में कैसे है मैम हायर हैं एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड और ईस्टवर्ड में थोड़ा सा नीचे की साइड है तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें हम क्या देखें कि डक्कन प्लेटू जो है मैम क्या है हायर इन देस्ट ठीक है वेस्ट में थोड़े से हायर हैं और यहाँ पर थोड़े से स्लोप्स में हैं तो इस साइड में जो है कौन सी साइड में मैम वेस्ट साइड में थोड़े से ये हायर हैं और यहाँ पर जेंटल स्लोप हैं राइट एक्सटेंशन ऑफ द प्लाटो इज ऑलवेज विजबल इन द नॉर्थ ईस्ट देखिए हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में हम सोचते हैं मैम प्लेटू कहाँ से होंगे ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है यहाँ पर यहाँ पर भी हमारे प्लाटो एरिया का और स्पेशली जो हमारा डक्कन प्लाटो है उसका एक्सटेंशन है जो कि क्या है मैम एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता तो ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट पूरा पहाड़ी अलग है वहाँ में भी हमारे प्लेटो का एक्सटेंशन देखने को मिलता है जिसे नोन एज मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ काशर हिल्स राइट right? तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर कौन कौन से मेघालय भी एक प्लाटो एरिया में है कौन कौन सा मैम मेघालय राइट मेघालय हो गया कार्बी एंगलोंग हो गया राइट और नॉर्थ काशर हिल्स तो ये ईस्टवर्ड नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है प्लैटूज का नॉर्थ काशर हिल्स राइट इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट एक फॉल्ट है देखिए हमने देखा था छोटा नागपुर प्लेटू भी इसका पार्ट है एक फॉल्ट आता उससे ये सेपरेट है इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू कौन सा मैम छोटा नागपुर प्लेटू थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस यहाँ पर कौन सी है तीन मेन हिल रेंजेस गारो खासी और जयंतिया वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी द गारो द खासी और जयंतिया जो है वो थ्री प्रोमिनेंट हिल्स हैं इस एरिया के लिए ठीक है तो हमने मेनली ये देखा कि हमारे जो पेनसुलर प्लेटू है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक सेंट्रल हाईलैंड है मैम एक हमारा डक्कन प्लाटू है राइट और इसका एक ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन भी है ईस्ट में भी हमारे प्लेटू ऐसा नहीं है नॉर्थ ईस्ट में भी इसका एक्सटेंशन है कहाँ पे द मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटो और द नॉर्थ काशर हिल्स अगर यहाँ पे हम कुछ प्रोमिनेंट हिल्स की बात करें मैम वेस्ट टू द ईस्ट अगर देखें गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स जो है यहाँ की मेन हिल्स हैं उसके बाद अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पेनिंसुलर प्लेटो का द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स राइट द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डन प्लेटो राइट तो डन प्लेटो की देखिए एक हमारे वेस्टर्न घाट होंगे एक ईस्टर्न घाट होंगे तो इसी तरीके से ये वेस्टर्न घाट हुए ये ईस्टर्न घाट हुए और यही एक इनका जो है यहाँ पे बिल्कुल ये खत्म होते हैं तो ठीक है तो प्लेटू एरिया किस किस के बीच में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के उसमें तो द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न और ईस्टर्न एज को मार्क करते हैं पता लग जाता है ठीक है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में ही है क्या हमारे पेनसुलर प्लेटूज वेस्टर्न घाट लाइफ पेरलर टू द वेस्ट कोस्ट देखिए अगर हम लोग बात करें ये है मैम ये क्या है ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा और मैम ये है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन राइट अगर हम लोग देखें अगर हम लोग देखें वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्ट कोस्ट के पैलर है ये है हमारे वेस्टर्न घास है ईस्टर्न घाट ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैलर है दे आर अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट लाई पैलर टू वेस्टर्न घाट किसके पैलर है मैम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के दे आर कंटिन्यूस मतलब ये बिल्कुल कंटिन्यूस कोई ब्रेकेज नहीं है बस इनमें छोटे छोटे पासिस है क्या है मैम छोटे छोटे पासिस है जिससे आप जा सकते हैं तो दे आर अगर वेस्टर्न घाट की बात करें ये कंटिन्यूस है कंटिन्यूस इसमें कोई ब्रेक नहीं है छोटे छोटे पासेज है वहाँ से हम इसे पास कर सकते हैं तो वेस्टर्न घाट जो है मैम क्या है इट इज़ कंटीन्यूस तो अगर आपसे वेस्टर्न घाट के बारे में कोई पूछे वेस्टर्न घाट के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे एक तो वेस्टर्न घाट जो है वो पैरेलल है मैम वेस्टर्न गोस्ट कोस्टल प्लेन के दूसरा ये कंटिन्यूस बिल्कुल क्या है कंटिन्यूस है। तो वेस्टर्न घाट लाइ पैरेलल टू तो द वेस्टर्न कोस्ट एंड दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली हम इनको पास कर सकते हैं कैसे यहाँ पे कुछ पासिस हैं बस इनके थ्रू जो है हम इनको पास कर सकते हैं अदरवाइज ये बिल्कुल कंटिन्यूस है राइट लोकेट द थाल भोर और पाल घाट जो है वो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में लोकेट करना है राइट right? अगर हम लोग बात करें द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को अगर हम कंपेयर करें ईस्टर्न घाट से तो वेस्टर्न घाट ज़्यादा हायर है कंपैरेटिवली किसके मैम ईस्टर्न घाट्स के देर एवरेज एलिवेशन कितना है नाइन हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड मीटर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है 900 एंड 1600 मीटर्स तक भी इनकी ऊंचाई है अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की ये सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर्स तक है राइट right? हम एवरेज एलिवेशन की बात करें ईस्टर्न घाट जो है वो स्ट्रेच होते हैं ईस्टर्न घाट की बात करें महानदी वैली यहां से अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो उड़ीसा में है क्या माम हमारी महानदी राइट right? महानदी से लेकर महानदी से लेकर हमारी जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं राइट right? जो हमारी थ्री स्टेट्स में आती हैं, नीलगिरी हिल्स वहां तक है मैम क्या हमारे ईस्टर्न घाट तो कहां से शुरू हो रहे हैं महानदी से लेकर साउथ में नीलगिरी हिल्स तक नीलगिरी हिल्स पर घाट जो है स्ट्रेच ऑन द महानदी वैली टू द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ द ईस्टर्न घाट जो है जैसे हमने देखा था हमारे वेस्टर्न घाट कैसे मैम कंटिन्यूअस है अगर हमें उन्हें पार करना हो तो हमारे पास पासिस उनके थ्रू हम जा सकते हैं लेकिन ईस्टर्न घाट जो है मैम डिसकंटिन्यूअस है कैसी है डिसकंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है राइट द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर है उबड़ खाबड़ है एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल और ये डाइसेक्ट बहुत सारे जो है इरेगुलर प्लेसेस यहाँ पे आते हैं डाइसेक्ट जैसे रिवर्स जो है उनकी वजह से जब वो बे ऑफ बंगाल में जाते तो बहुत सारे पोर्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस भी हैं यहाँ के तो हमें क्या समझ आया कि अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो इनका जो एलिवेशन है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट कम है मैम 600 मीटर तक ही है थोड़ा बहुत ज्यादा होगा एक दो हिल्स की अगर हम बात करें कहां से कहाँ है मैम महानदी से लेकर नीचे साउथ में नीलगिरी हिल्स तक है और ये एक डिसकंटिन्यूस रेंज है कैसा है डिसकंटिन्यूस है राइट द वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन ओरोग्राफिक रेन जो होती है जो माउंटेन से टकरा के जब उसके बाद जो रेन फॉर्मेशन होता है वो क्या है मैम ओरोग्राफिक रेनफॉल फेसिंग द रेन बियरिंग द मोइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट अगर हम बात करें जो वेस्टर्न घाट है आर नोन बाय डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से हम उनको जानते हैं द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साइड साउथ अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है ठीक है वो बढ़ती जाती है कहाँ से नॉर्थ टू साइथ साउथ जो है इनकी जो हाइट है वो क्या होती है मैम वो बढ़ती ही जाती है द हाइएस्ट पीक वेरी इंपॉर्टेंट जो हाइएस्ट पीक है अगर हम बात करें द हाइएस्ट पीक इंक्लूड द मुड़ी। अनाय मुड़ी जो है वो हमारी हाइएस्ट पीक है किसकी मैम वेस्टर्न घाट की और कितनी है 2695 मीटर तो आपसे क्वेश्चन भी आता है वन मार्क में एंड एक और पीक है दोदा बेटा 2637 मीटर्स अगर उसी तरीके से हम ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की बात करें मैम तो महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स की है ये इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट अगर हम लोगों से पूछा जाए अब आपसे कोई पूछे कि भाई हमारे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो अनायमोड़ी है 2695 मीटर है अब आपसे पूछा जाए ईस्टर्न घाट्स की कौन सी है तो महेंद्र गिरी है फिफ्टीन जीरो वन मीटर्स है शिवराय हिल्स एंड जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट जो हमारी शिव रॉय एंड जावेदी हिल्स जो है वो लोकेट करती हैं कहाँ साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट पे राइट ईस्टर्न घाट पे हैं ये तो इस तरीके से ये कुछ हमारी हिल रेंजेस थी जो कहाँ पर है मैम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में हमें ये समझ आ गया कि वेस्टर्न घाट जो है वो हमारे ज़्यादा एलिवेटेड है और कंटिन्यूस है और उसकी हाईएस्ट पीक मैम अनायमोड़ी है उसी तरीके से हम हमारे ईस्टर्न घाट की बात करें मैम तो ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी से लेकर साउथ में साउथ में महानदी से लेकर साउथ में नीलगिरी तक है अगर हम बात करें इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अनाई मुडी है एंड द दोदा बेटा है ओ oh, सॉरी महेंद्रगिरी है वो तो वेस्टर्न घाट की हम सो सॉरी महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है ठीक है अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको लोकेट करना है फेमस हिल स्टेशन ऑफ उद्गम मंडलम जिसे हम ऊटी भी बोलते हैं उद्गम मंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडी कनाल ये दोनों जो है आपको किस में लोकेट करने ये मैप में लोकेट करने क्योंकि ये वो प्लेसेज हैं जहां पर जो है जो पेनसोलर प्लेटो में जो कहते हैं ना हिल स्टेशन हैं हमारे वन ऑफ द डिस्टिंग फीचर्स ऑफ द पेनेंसोलर प्लाटो इज द ब्लैक सॉइल एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पेन देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं एक तो मिनरल्स रिच है अगर आपको पेनसोलर प्लेटोज की इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो प्लाटोज एरिया में होता है हमारा छोटा नागपुर प्लेटो भाई वो इंडिया के लिए भाई एक, वो जगह है हम सोच भी नहीं सकते हमारी सारी मिनरल्स वेल्थ ही वहां पर है राइट वन ऑफ द डिस्टिंग फीचर जो है वो वहां की और क्या है मैम ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल आर नोन एज इसीलिए हम इसे डक ट्रैप भी बोलते हैं दिस इज वॉलैनिक और रिजन से ये बने हैं रॉक्स आर इग्निशियस है यहाँ की कैसी है मैम इग्निशियस रॉक्स है यहाँ की एक्चुअली देखिये आपको पता है इग्निशियस रॉक्स मतलब लावा की फॉर्मेशन से वो रॉक्स बनी है तो वो जो हमारा डक्कन ट्रैप है वहां पर होती है ब्लैक सोल और वो बहुत अच्छी होती है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मैम कॉटन द अरावली हिल्स जो हमारी अरावली हिल्स हैं ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनसुलर प्लेटो अरावली हिल्स ठीक है दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज अ ब्रोकन हिल्स के फॉर्म में ये मिलती है दे एक्सटेंडेड फ्रॉम मैंने आपको बताया था अरावली हिल्स कहाँ से कहा मैम गुजरात से दिल्ली तक या दिल्ली से गुजरात तक जो है हमारी फैली हुई है गुजरात तो टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक हमारी अरावली हिल्स मैम फैली हुई हैं इसी के साथ जो है हमारा प्लेटू जो है खत्म होता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा होगा आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉप कोर्सेज की बात करें सीबीएसई बोर्ड दिल्ली बोर्ड बिहार यूपी एमपी और राजस्थान बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है वैदिक मैथ्स की क्लास होती है क्रैश कोर्स कराए जाते हैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी हमारे पास है हमारे पास है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम विद दिस एंड ऑफ टुडे सेशन आई होप यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम हैव अ नाइस डे